गाइस मेरी क्रिवा का चल रहा है प्ले टाइम। सो मेरी क्रिवा यहाँ पे क्या कर रही है? क्रिवा ने बहुत मुश्किल से ये हेयर क्लिप लगवाई है। अभी इसको पता भी नहीं है कि हेयर क्लिप मैंने लगाई है, क्योंकि गाइस हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। चलिए आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने थंबनेल तो वैसे देख ही लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं क्रिवा की साइकिल लेने के लिए। बहुत सारे विघ्न आए और फाइनली वो टाइम आया कि हम लोग क्रिवा की साइकिल लेने के लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन भी दो बार मंगवाई, दो बार कैंसिल हो गई। पता नहीं शायद वो सेलर के पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था या फिर कलर अवेलेबल नहीं था, आई रियली डोंट नो। क्रिवा को मैंने रेडी कर लिया, यही डेली यूज के कपड़े मैंने क्रिवा की मस्ती देखो, शरारत देखो, अले वाह मालिक कीवानू छे। क्रिवा को वैसे ही, क्रिवा को भी कोई नए कपड़े हमने नहीं पहनाए, क्योंकि यहाँ पे ही जा रहे हैं, मार्केट नज़दीक ही है। डेली के एवरीडे में जो पहनने के लिए कपड़े होते हैं वो ही पहनाए। और हाँ गाइज, यहाँ पे ना ठंडी जा चुकी ऑलमोस्ट। अरे बाप रे, मिल गई क्रिवा को हेयर क्लिप, मिल गई। आपो मम्मा ने आपो गाइज, ये मैंने मीशो से पूरा कॉम्बो मंगवाया है सेट, बहुत ही प्यारी प्यारी हेयर क्लिप मुझे रिसीव हुई है। फिर कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आपो मम्मा ने ये देखो, इसमें टोटल मुझे 12 से 14 हेयर क्लिप्स रिसीव हुई है। और गाइज मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे ना गुजरात में ऑलमोस्ट ठंडी जा चुकी है बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत कम अभी ठंडी है यहाँ पे। दिन में तो गर्मी जैसे फील होता है, सो इसलिए क्रिवा को मैंने ठंडी के कपड़े नहीं पहनाए। Tall buildings, as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. भजिया खाने के लिए, तो हमारा पोपट ही होने वाला है पता है, क्योंकि आज गाइस संडे है और संडे भी ना यार ऑलमोस्ट सारी जो शॉप है वो दोपहर तक ही चलती है, बंद होती है। तो देखते हैं, हम लोग एक दो दुकान जाके आए हैं अभी, एक दो अच्छी एक दो दुकान बाकी है, तो वहाँ पे देख के आते हैं, वरना कि साइकिल आज कैंसिल ही होगी। देखती हूँ अभी ऑनलाइन ही मंगवाऊँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, क्योंकि दो बार मैं ऑनलाइन मंगवा चुकी हूँ, मेरी कैंसिल हो गई है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फोटो भी मेंशन कर दूँगी कि मैंने कौन सी साइकिल क्रिवा के लिए देखी थी, बहुत प्यारी थी गाइस, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है, क्रिवा के नसीब में नहीं है शायद। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। गरम गरम यहाँ पे हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं, और एटलीस्ट पकौड़े तो एंजॉय कर लें। तो डेरी हम लोगों को स्पेशल यहाँ पे ग्रीट पे हाईवे पे लेके आए हैं पकौड़े खाने के लिए, यहाँ पे बहुत फेमस है। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए, डिनर का टाइम हो गया था। वैसे तो मैं घर पे खाने की प्रिपरेशन करके आई थी, लेकिन सडनली फिर प्लान बन गया कि आज संडे है तो बाहर ही खा कर जाते हैं। अभी घर पे कुछ भी करने का मन नहीं था। और यहाँ पे ना काठियावाड़ी रेस्टोरेंट है हाईवे पे, हम बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं। पहले बहुत यहाँ पे हम लोग आते थे, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद बहुत कम हो गया है। सोचा फिर काठियावाड़ी डिश यहाँ पे खाते हैं। अगर आप लोग गुजराती होगे तो पता ही होगा काठियावाड़ी डिश। और गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे सलाद मिलते हैं, लॉट्स ऑफ, कोई भी हम डिश लेते हैं उसके साथ उसके इससे डबल तो सलाद यहाँ पे मिलते हैं। अभी आप लोगों को देखिए, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने शूट किया था।
ये क्या होता है, मूंग और पूरे चने वगैरह का सलाद। हाँ, साथ में जो बड़ी वाली मिर्च मिल रही है अभी ठंडियों में, साथ में हमने यहाँ पे चूरमा लड्डू मिलते हैं तो वो भी लिया था। वो गुड़ और देसी घी के होते हैं, घर के जैसे बहुत हेल्दी होते हैं। सो क्रीवा के लिए भी अच्छा है क्योंकि गुड़ का है ये। तो क्रीवा को भी टेस्ट कराया, क्रीवा ने ज़्यादा तो टेस्ट नहीं खाया था क्योंकि जैसे कि क्रीवा को बहुत मीठा, वो क्रीवा पसंद नहीं करती है। क्रीवा रोटी सब्जी भी खा लेती है गाइस, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। क्रीवा ना सब्जी भी अभी टेस्ट करने लगी है, क्रीवा को जो सब्जी की टेस्ट है वो पसंद आ रहे है। मैं थोड़े थोड़े करके खिला रही हूँ, बहुत कम मिर्च। क्रीवा के लिए हम लोगों ने यहाँ से खिचड़ी ली थी तो क्रीवा ने पेट भर के खिचड़ी खाई थी। गाइस मॉर्निंग में मिल रही हूँ आप लोगों को, क्रीवा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। बनाना को मैं इस तरह से ही कर ले, तो आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बच जाता है, ये थोड़ा इजी होते हैं। गाइस यहाँ पे चल रहा है क्रीवा का नानी तेरी मोरनी को मोल गए। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था सो आप लोगों के साथ वॉइस ओवर में बात कर रही हूँ। बर्तन भी थोड़े कम निकलते हैं और एक हाउस वाइफ के लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है, इसलिए मैं इस तरह से बनाना को मैश करके क्या बोलते हैं दूध ऐड करके खिला देती हूँ। आप चाहो तो मिक्सी में बना सकते हैं, लेकिन एक हाउस वाइफ को ये भी देखना पड़ता है ना। शायद आप लोग भी अगर हो गए, आप लोग भी मेरी तरह ही है ना, तो ऐसा ही करेंगे मुझे पता है पक्का, और ऐसा ही कर रहे हो गए है ना। चलिए क्रीवा बहुत प्यार से देख रही थी नानी तेरी मोरनी, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए 15-20 मिनट से ज़्यादा क्रीवा टीवी नहीं देखती है। क्रीवा को वैसे पहले से मैंने स्क्रीन की आदत नहीं डाली है ना, तो क्रीवा को इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्रीवा को किचन में बर्तन लेके खेलना बर्तन के साथ, या फिर यहाँ से वहाँ घूमना, ये निकालना वो निकालना, वो सारी चीज़ों में क्रीवा ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। और आप लोग जो देख रहे हैं ना, और शायद मैंने भी यही देखा था कि बच्चा एक जगह पे बैठ के शांति से खा लेता है, और हमें भी शांति से बैठ के हम भी आराम से खिला सकते हैं। लेकिन गाइस ये सब वीडियोस के लिए ही होता है, असली जो स्ट्रगल है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि बच्चे के साथ जैसे बच्चा चलना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग करना सीख जाता है, फिर बच्चे को खिलाना कितना मुश्किल है, वही जो असली वाला स्ट्रगल है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आगे वीडियो में। शायद आपके घर में भी यही होता होगा और आपके भी बच्चे ऐसे ही हो गए, शायद सारे बच्चे ऐसे ही हो गए। आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग भी मॉम हो और आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं भाग दौड़ से, तो जरूर मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले यार मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है इसलिए ऐसा कर रहा है, या फिर सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार। इसलिए चलिए आप लोग भी देखो, एंजॉय करो, म्यूजिक लगाते हैं हम और कैसे भाग दौड़ होती है हमारी क्रीवा के साथ सुबह से लेके रात तक, अभी ऐसी हमारी हालत होती है। बस जो वो सोती है ना एक दो घंटे अभी शांति होता है, फिर जैसे ही वो उठती है ना तो हमारी उथल फुथल हमारी दोनों की मस्तियाँ शुरू हो जाती है। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है ना पता ही नहीं चलता क्रीवा के साथ, और अच्छा भी लगता है। कभी एक घंटा भी क्रीवा चली जाती है ना तो एक घंटा थोड़ा मतलब अच्छा फील होता है, इसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्रीवा के बिना, मन नहीं लगता है। और चलना फिरना शुरू हो जाता है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बच्चा हाथ में आता है, बस इस तरह से भाग के ही मुझे क्रीवा को समझा पटा के खाना खिलाना पड़ता है। क्रीवा अपने खेलती रहती है, भागती रहती है भागती रहती है, और मैं इसके पीछे मैं इसके पीछे भागती रहती हूँ खाना खिलाने के लिए। वैसे वो खा लेती है, टच वुड की वो खाने में बिल्कुल भी वो नहीं है, सब कुछ जो भी मैं बनाती हूँ ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खा लेती है। कुछ चीज़ें हैं जो क्रीवा को नहीं पसंद, जैसे कि क्रीवा बहुत मीठी चीज़ें खाना पसंद नहीं करती है, ये मेरे लिए अच्छा भी है।
पता नहीं यहाँ से ना सनलाइट आ रही है इसलिए मैं आप लोगों को ऐसी दिख रही हूँ बस। तो चलिए ये व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी मैं अपना नाश्ता करूँगी, क्रिवा अभी टीवी देखेगी थोड़ी देर के लिए, फिर सो जाएगी और फिर मैं 1-2 बजे के बाद क्रिवा को लंच देती हूँ। तो यही रूटीन है क्रिवा का। बहुत जल्द आप लोगों के साथ क्रिवा का जो रूटीन है खाने पीने का वो भी शेयर करने वाली हूँ। आ गई मेरे पास। हाँ तो मैं क्या बात कर रही थी, मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, क्योंकि हम लोग गए थे क्रिवा की साइकिल परचेज करने के लिए तो, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। फाइनली मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की है। अभी आप लोगों को मैं जैसे ही आएगी ना बहुत जल्द दिखाऊंगी। वो जो मुझे पसंद आ गई थी वो ही मैंने फिर से एक बार ऑर्डर करके देखी है। देखते हैं एक लास्ट ट्राई किया जाए। और यहाँ पे हमारे लोकल मार्केट में ना बहुत महंगी भी मिल रही थी और इतने पैसे वेस्ट करने के बाद भी जो हमें चाहिए जैसा हमें चाहिए वो ना मिले इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अभी मैं अपना नाश्ता करती हूँ और ये व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। क्रिया मेरी आराम से यहाँ से वहाँ खेल रही है टीवी देखते देखते। बैकग्राउंड में आप लोगों को टीवी का थोड़ा सा नॉइस भी आ सकता है, वैसे मैंने वॉल्यूम कम किया हुआ है। और क्रिवा ना बिल्कुल भी अभी कुछ भी रहने नहीं देती है, सारा कुछ ना बालकनी से फेंक देती है। रिमोट वगैरह भी बहुत संभालना पड़ता है। वैसे तो मैं क्रिवा को अकेले बालकनी में जाने ही नहीं देती हूँ, बंद ही रखती हूँ पूरा दिन, लेकिन फिर भी। अभी इसके बाद बहुत सारी आप लोगों को जो मेरी घर की रूटीन है, इंडियन मॉम इंडियन हाउस वाइफ की जो रूटीन है विथ बेबी, वो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग भी शायद वो ही देखना पसंद करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। और मेरी क्रीवा को देखो क्या कर रही है। क्रीवो देखो, क्रीवो रिमोट के साथ खेल रही है। चुकल है, चुकल तो जी है। क्यों बाय बाय करो। हाँ बाय बाय गाइस, मेरी क्रिया भी बाय कर रही है। मैं ना अभी ये वाला जो क्लिप है ना वो क्या बोलते हैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ। वैसे मैंने अभी नया कुछ सीखा है कि बैक कैमरे से व्लॉगिंग किया जाए, क्योंकि पहले मैं फ्रंट कैमरे से ही व्लॉगिंग करती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक कैमरे से वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। ऐसा मैंने बहुत सारे व्लॉगर का भी देखा है, सारे कोई बैक कैमरे से ही शूट करते हैं। तो मैं भी अभी वही ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बैक कैमरे से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सीख जाएंगे। व्लॉगिंग सीखी है तो ये भी सीख ही जाएंगे। फ्रंट कैमरे से क्या है थोड़ा इजी हो जाता है, ऐसे ही हम कहीं भी अपने कैमरे को लगा सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना बहुत।